आपने अभी एक नृत्य देखा। यह नृत्य धर्म, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का है, जहाँ श्रद्धालु गर्म पानी का सेवन कर भगवान महावीर की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भगवान महावीर इसी दिन, इसी समय, इस गांव में अवतरण लिए थे। देखिए यह रिपोर्ट। जामताड़ा के नाला प्रखंड के खेरा पंचायत अंतर्गत सालकुंडा गांव के ऐतिहासिक श्वेतांबर जैन मंदिर में महापर्व पर्युषण का आज 5वां दिन है। पूरे सालकुंडा गांव का भ्रमण करते हुए श्रद्धालु नाचते गाते बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया करते हैं। आपको बताते चले कि सालकुंडा गांव में ही श्वेतांबर मंदिर जामताड़ा का ऐतिहासिक श्वेतांबर मंदिर है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु महावीर की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। महावीर पर्युषण पर्व 10 दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन दिनों श्रद्धालु उपवास रखते हैं और केवल गर्म पानी का सेवन करते हैं और बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान महावीर की आराधना करते हैं। मुंबई से आए श्रद्धालु संजय भाई ने बताया, 2 सालों से हम कोरोना महामारी से त्रस्त हैं। इसकी वजह जीव जंतुओं की बेवजह हत्या और मांस का भक्षण है। इसलिए आज हम घरों में बंद हैं और जीव जंतु खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। हमें जीव हत्या का त्याग करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी आहार का सेवन करना चाहिए। इसी से हम महामारी से खुद को बचाने में सफल हो पाएंगे। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट। मैं जिग्नेश शाह, राज परिवार और संकित गुरु की तरफ से हम लोग इधर पर्युषण पर्व की आराधना करवाने के लिए इधर आए हैं। पर्युषण पर्व हम लोग जैनों का बहुत बड़ा त्योहार रहता है। ये 8 दिन का पर्व रहता है। आज इसका 5वां दिन है। ये 5वें दिन हमारे 24वें भगवान महावीर स्वामी का जन्म का वांचन होता है। उनकी माता जी को जो 14 स्वप्न आए हुए थे, उनका आज सबको दर्शन करवाया जाता है। जैसा कि आपने देखा, ये पूरे गांव में फेरी निकाल के सबको दर्शन करवाया गया। अभी इनका जन्म का वांचन होगा, प्रभु का जन्म का वांचन होगा। और फिर 8वें दिन संवत्सरी का बड़ा, सबसे बड़ा दिन रहता है। उस दिन हम लोग एक दूसरे से क्षमापना, माफी मांगते हैं। जो भी मन मुटाव रहता है उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं और क्षमापना करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा पर्व रहता है और लोग दूर दूर से आते हैं ये सालकुंडा प्राचीन तीर्थ की आराधना के लिए। त्योहार मना रहे हैं, इसके कितने नियम पालन होते हैं और क्या क्या आप लोग करते हैं इस त्योहार से मतलब स्टार्ट होने के लिए? हम लोग इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग, हरा सब्जी त्याग, उबला हुआ पानी पीना और सुबह शाम प्रतिगमन करना, सामायिक करना, ये सब हम लोगों का नियम में आते हैं। फिर जो अपने शरीर के शक्ति के अनुभव हिसाब से उपास भी करते हैं, जो पूरा दिन बिना खाए हुए रहते हैं सिर्फ पानी पीकर। फिर आपका एकासना भी होते हैं, जिसमें नियम करके हम लोग एक बार सिर्फ खाना खाते हैं। फिर जो लोग नहीं सकते हैं वो व्यासना करते हैं, जो सिर्फ 2 टाइम हम लोग को नियम करके खाना है। फिर होता है ना, और जो एकदम नहीं करते वो नौकर से भी कर सकते। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं कि आपको करना ही होगा, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार हर सब कोई करते हैं। लेकिन हम सबके यहाँ पर तो हर रोज कुछ ना कुछ एकासना व्यासना उपवास चल ही रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक साथ 3 उपवास भी है,
जो एक साथ तीन उपवासी हैं। ऐसा हर साल हम लोग का दो या तीन जन होती है ऐसा श्रद्धालु जो तीन उपवास तक भी करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पूजा चौधरी। ऐसे मैं हूँ तो इसी गांव का, लेकिन मैं कोलकाता में रहती हूँ।